आज के किस प्रोग्राम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे पास आपके आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका मैं आपको आंसर देने वाला हूं। साथ में हम बात करने वाले हैं Asus ZenFone Max Pro M2, Realme U1 और Realme 2 Pro में कस्टम रोम के बारे में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा इस वीडियो में एक गिव अवे भी होने वाला है इस FM वाली अलार्म क्लॉक का। कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है वीडियो में आगे मैं आपको सब बताऊंगा। और एक गिव अवे का आज हम रिजल्ट भी निकालने वाले हैं। जो गिव अवे चल रहा है Honor X वर्सेस Realme 2 Pro वाली वीडियो पे, उसका आज हम रिजल्ट भी निकालेंगे। कौन सी वो वीडियो है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बार बात कर लेते हैं PDF फाइल्स के बारे में। दोस्तों PDF फाइल्स हम सब यूज करते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमको एडिट करनी हो कोई PDF फाइल। पहले हमको वो फाइल वर्ड में कन्वर्ट करनी पड़ती है, फिर एडिट करने के बाद कन्वर्ट करनी पड़ती है वापस PDF में। बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाता है PDF फाइल को एडिट करना। तो आज मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊंगा जो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा PDF फाइल से रिलेटेड। पहले हम ये एक डेमो देख लेते हैं। इस छोटे से डेमो के बाद हम कंटिन्यू करेंगे आज के इस प्रोग्राम का ये एपिसोड। दोस्तों PDF फाइल्स के लिए एक सॉल्यूशन है PDF एलिमेंट 6 प्रो। वंडर शेयर की तरफ से ये सॉफ्टवेयर है, इसको ओपन कीजिए। ये सब ऑप्शंस आपको मिलेंगे इसमें, एडिट PDF, कन्वर्ट PDF, क्रिएट PDF या फिर कंबाइंड PDF। कन्वर्ट PDF में क्या होगा, आप इसमें PDF फाइल को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। कंबाइंड PDF में आप मल्टीपल PDF फाइल को आपस में मर्ज कर सकते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। सिंपली आपको क्लिक करना है कंबाइंड PDF पे। अब यहाँ ऐड फाइल करके वो फाइल ऐड कर दो जो आप कंबाइन करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं ये दो फाइल कंबाइन करता हूँ, ये दोनों फाइल यहाँ आ चुकी हैं। नेक्स्ट, ये देखिए इतनी जल्दी आपकी फाइल कंबाइन हो चुकी है। अब हम बात करते हैं इसके सबसे मेन फीचर की, जो कि है एडिट PDF। ये जो फीचर है दोस्तों, ये आपके बहुत ही काम आ सकता है, खास करके अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। एडिट PDF पे क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ PDF फाइल ऐड करनी है जो आप एडिट करना चाहते हैं। मैं ये फाइल चूज़ करता हूँ, ये Canon 200D DSLR कैमरा की यूज़र मैनुअल मैंने डाउनलोड की है। आप सिंपली इस फाइल को ईजिली एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, चाहे आपको कुछ इसमें ऐड करना हो या आपको कुछ डिलीट करना हो, कुछ भी आप कर पाएंगे। तो इतनी ईजिली आप एडिट कर सकते हैं इसमें PDF फाइल्स को। जो भी आपने एडिटिंग करनी है वो एडिटिंग करने के बाद ईजिली आप इस फाइल को यहाँ से सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इसका बहुत ही ज़बरदस्त फीचर। कई बार क्या होता है, हम कोई बुक रीड कर रहे हैं, हम उसमें कुछ एडिट करना चाहते हैं फ़ोटो क्लिक करके, तो वो काम इसमें आप बहुत ही ईजिली कर सकते हो। यही जो फीचर है ये स्टूडेंट्स के बहुत काम आ सकता है। आप यहाँ ओपन फाइल पर क्लिक कीजिए। अब जो आपने फ़ोटो क्लिक की हो किसी भी पेज की, वो यहाँ आपको ऐड करना है। मैं यहाँ एक JPG फाइल ऐड करता हूँ। जब आप इसमें JPG फाइल लोड करोगे तब आपको यहाँ ऊपर एक ऑप्शन मिल जाएगा परफॉर्म OCR, इस पर क्लिक कर दो। लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। ओके कर दीजिए, डन। अब आप इस JPG फाइल को भी प्रॉपर एडिट कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा टेक्स्ट आप एडिट कर सकते हैं आप इस पेज का बहुत ही आसानी के साथ। बस आपको अपनी बुक में से पिक्चर क्लिक करनी है और आपको इस पर लोड कर देना है, आप इजीली एडिट कर पाओगे। तो इतनी आसानी से आप यूज़ कर सकते हो PDF एलिमेंट। ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों PDF एलिमेंट, इसको आप फ्री में ट्राई कीजिए। काफ़ी ऑफर चल रहे हैं इस सॉफ्टवेयर पर, अगर आपको बाय करना हो तो आप बाय भी कर सकते हैं। दोस्तों आपके क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको दो अपडेट देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी न्यूज़ है Realme 2 Pro को लेकर। Realme 2 Pro का बूट लोडर अनलॉक होने वाला है। Realme ने यह क्लियर कर दिया है कि 2 महीने में अनलॉक हो जाएगा बूट लोडर Realme 2 Pro का। ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है उनके लिए जो कि परेशान है इसके OS से। बूट लोडर अनलॉक होने के बाद आप इसमें कस्टम रोम भी इंस्टॉल कर पाओगे, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है। हमारा दूसरा अपडेट है Asus ZenFone Max Pro M2 को लेकर। आप में से काफ़ी लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं इस फोन का, मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं इसको लेकर। अभी रिसेंटली ये पिक्चर सामने आई थी Asus ZenFone Max Pro M2 की। अब ये पिक्चर कितनी सही है कितनी गलत है ये मैं आपको भी नहीं बता सकता, इतना मैं कह सकता हूँ ज़बरदस्त फ़ोन होने वाला है, थोड़ा सा आप वेट कर लो। अब मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। आपका ड्रीम फोन कौन सा है? अभी मेरा ड्रीम फोन बना ही नहीं। Redmi Note 6 Pro फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है क्या? या Redmi Note 6 Pro सपोर्ट करता है फास्ट चार्जिंग? Honor U10 लेना सही रहेगा क्या? देखो फोन तो काफ़ी अच्छा है, अब एंड्रॉइड पी का अपडेट भी उस पर आने वाला है। अब डिपेंड करता है कि वो फोन आपको किस प्राइस पे मिल रहा है। अगर वो आपको मिल रहा है 25,000 से कम के प्राइस में तो आप वो फोन कंसीडर कर सकते हो। अदरवाइज Acer Zenfone 5G और Honor 10 उससे बेटर ऑप्शन हैं। भाई आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन है भाई के। इनका पूछना है कि अगर Realme अपने न्यू OS के साथ आता है तो क्या हमें Realme के पुराने फोन में भी वो अपडेट मिलेगा? देखो मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा, क्योंकि जो OS रेडी हो रहा है Realme का वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है कलर OS के कंपैरिजन में।
तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको नहीं मिलेगा उसमें अपडेट, बाकी मैं कंफर्म अभी नहीं कह सकता इसके बारे में। जो भाई का दूसरा क्वेश्चन है, नोकिया 8.1 एसस लैंडफोन मैक्स प्रो M2 के पहले लॉन्च हो सकता है? मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे अकॉर्डिंग M2 पहले आने की ज़्यादा उम्मीद है। अगर बजट 15,000 के आसपास हो तो ऑनर टैक्स सही रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, आप ले सकते हो। आप कौन सी स्टेट में रहते हो? मैं दिल्ली में रहता हूँ। भाई एसस फोन के सेल्फी कैमरा ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं होते, जेनफोन 5G का भी इतना अच्छा नहीं है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है जेनफोन 5G के फ्रंट कैमरा से, और जो मैक्स प्रो M1 है उसमें भी मज़ा नहीं आता, इसका रीज़न क्या है? और क्या जेनफोन मैक्स प्रो M2 में सेल्फी कैमरा अच्छा देखने को मिल सकता है? देखो मेरे अकॉर्डिंग तो मिल सकता है अच्छा देखने को, बाकी मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा आपको इसके बारे में, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। बाकी और क्वेश्चंस लेने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इस अलार्म क्लॉक के गिवअवे में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले आपको करना है वीडियो को लाइक, हमारा टारगेट है 15,000 लाइक्स का, जो कि मुझे पता है आप बहुत ही जल्दी कर दोगे। उसके बाद आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो, और सबसे जरूरी है एक कॉमेंट करना #gizmogun लगाकर। 15,000 लाइक्स कंप्लीट होते ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। अब हम लेते हैं आपके बाकी क्वेश्चंस। सर ऑनर टैक्स लेना चाहिए या मैक्स प्रो M2 का वेट करना चाहिए? देखो ऑनर टैक्स अपनी जगह पे काफ़ी अच्छा फ़ोन है, अब मैक्स प्रो M2 कैसा आता है वो देखने वाली बात होगी। अगर आप वेट कर सकते हो तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अदरवाइज ऑनर टैक्स भी आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग माई 1 यूट्यूब चैनल हैविंग प्रॉब्लम वाइल फेसिंग मोबाइल, प्लीज़ एनी सजेशन? देखो आप टेंशन मत लो, आप सोचो ही मत कि आप मोबाइल के सामने बोल रहे हो, बिंदास हो के आप बोलो, जो आपके दिल में है वो आप शेयर करो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, धीरे धीरे सब डर आपका निकल जाएगा, स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है। सर यार श्रीवास्तव जी पूछते हैं, सर मैंने अभी रिसेंटली दिवाली में SBI एंड बाईबैक ऑफर के साथ Realme 2 Pro लिया था 4G वाला वेरियंट 12,600 के अराउंड, मैं जानना चाहता हूँ कि ये डिवाइस कितना फ्यूचर प्रूफ है इस प्राइस पे? देखो ये डिवाइस फ्यूचर प्रूफ तो है, क्योंकि Realme काफ़ी काम कर रहा है इस डिवाइस पर, आपको अपडेट्स देकर प्रॉब्लम सॉल्व भी कर रहा है। अब जब तक और कोई डिवाइस नहीं आता इस प्राइस रेंज में इसके टक्कर का, तब तक तो यही ऊपर रहेगा, बाकी फ्यूचर प्रूफ हम इस डिवाइस को बोल सकते हैं। मोहम्मद सैमी जी पूछते हैं विच वन इज बेस्ट Realme U1 और मैक्स प्रो M2? देखो अभी दोनों ही नहीं पता कि क्या आते हैं, किस प्राइस पे आते हैं, तो अभी इसके बारे में कहना मुश्किल है कि कौन सा इनमें से बेस्ट होगा। Realme U1 का तो हमें पता है MediaTek UP70 के साथ आएगा, अब मैक्स प्रो M2 किसके साथ आता है वो देखने वाली बात होगी, थोड़ा सा वेट कर लो, सब शेयर करूंगा आपके साथ में। Realme 2 Pro अभी ले लूं या फिर थोड़ा सा वेट करूं? और इनका दूसरा क्वेश्चन है Flipkart का जो मोबाइल प्रोटेक्शन प्लान है वो लेना सही है क्या? देखो प्रोटेक्शन प्लान तो मेरे अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए, काफ़ी फायदा होता है उसका, और जहाँ तक बात है Realme 2 Pro की वो भी आप ले सकते हो, नहीं तो आप वेट कर सकते हो मैक्स प्रो M2 का, काफ़ी उसके लीक्स आ रहे हैं कि जल्दी वो फोन लॉन्च होने वाला है, देख लो आप वो फोन कैसा आता है उसके बाद आप डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सा फोन लेना है। इज नोकिया 7.1 प्लस बेस्ट फोन अंडर 25,000? देखो मुझे लगता है इसका प्राइस अगर 20,000 के आसपास आता है तब ये फोन बेस्ट रहेगा, उससे महंगा ये फोन नहीं होना चाहिए। सर 12,000 में कौन सा फोन बेस्ट रहेगा? मेरी नीड है मल्टीटास्किंग। देखो आप ले सकते हो एसस जेनफोन मैक्स प्रो M1 का 6GB वाला वेरियंट 12-13,000 में आपको मिल जाएगा वो सेल में, उसकी जो रैम मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट रेडमी नोट 6 प्रो? क्या इस फोन की इंडिया के लिए ज़रूरत थी? बिल्कुल भी नहीं थी, मुझे नहीं लगता कि इसकी इंडिया को ज़रूरत थी। मुझे लगता है MI को क्या करना चाहिए था, इसकी जगह पे लाना चाहिए था Mi 8 Lite इंडिया में, वो इंडिया में फ़ोन काफ़ी चलता Redmi Note 6 Pro के कंपैरिजन में। आपको क्या लगता है ऊपर पोल में बताना मुझे। Realme U के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? देखो ज़बरदस्त फ़ोन रहने वाला है मेरे अकॉर्डिंग, सेल्फी कैमरा उसका काफ़ी अच्छा होगा, और रियर कैमरा उसका मेरे अकॉर्डिंग, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मेरे अकॉर्डिंग Realme 2 Pro से कम अच्छा होगा, बाकी क्या होता है देखते हैं आने वाले टाइम में। जियो गीगा फाइबर कितने टाइम में पूरे इंडिया में आएगा? देखो मुझे लगता है आपको अभी थोड़ा और वेट करना ही पड़ेगा, पहले बोला था जियो ने कि आपको दिवाली पे वो अनाउंस कर देंगे, रोल आउट कर देंगे, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ, तो मुझे लगता है आपको काफ़ी वेट अभी करना पड़ेगा। भाई 20,000 की रेंज में अच्छे लुक्स और 5.5 इंच स्क्रीन साइज के साथ कोई फ़ोन बताओ? अभी मेरे पास है नोकिया X6। देखो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा अगर आपको कोई कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए इस प्राइस पे, तो सारी कंपनीज बड़ी स्क्रीन वाले फ़ोन बना रही हैं, कॉम्पैक्ट फ़ोन बहुत ही कम आ रहे हैं, ये मुझे बहुत गलत बात लगती है कंपनीज़ की, कंपनीज़ को कॉम्पैक्ट फ़ोन पर भी ध्यान देना चाहिए जो कि कंपनीज़ नहीं दे रही। भाई मेरे पास Redmi Note 5 Pro है जिसमें हर अपडेट के बाद फ़ोन की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, मुझे लगता है Xiaomi अपने फ़ोन को स्लो करती है ताकि यूज़र्स न्यू प्रोडक्ट लें, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखो मेरे पास और भी कमेंट्स आ रहे हैं इसको लेकर, काफ़ी यूज़र्स ऐसी दिक्कत फेस कर रहे हैं, एक अपडेट आता है उसमें कुछ बग्स फिक्स होते हैं, कुछ और बग्स सामने आ जाते हैं, आप में कितने लोग ये दिक्कत फेस कर रहे हैं ऊपर पोल में बताना मुझे।
सर रियलमी यू वन में फास्ट चार्जिंग होगी क्या? मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। रियलमी वन में EAS एनेबल हो सकता है क्या? ऑफिशियली तो नहीं होगा, वैसे आप थर्ड पार्टी ऐप्स यूज कर सकते हैं। नोकिया X7 इंडिया में आने वाला है या नहीं और कब तक आएगा? देखो आएगा जरूर इंडिया में, ये तो 100% कन्फर्म है। कब तक आएगा इस पे थोड़ा सा डाउट है। दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आप वेट करो, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। Asus Max Pro M1 में इंटरनेट स्पीड कम क्यों है, ये ठीक होगी या नहीं? देखो मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही उस फोन में, आप एक बार फोन को रीसेट करके ट्राई कीजिए। Realme का न्यू OS कब आएगा और U1 का प्राइस क्या होगा? देखो U1 का प्राइस 15,000 के आसपास रहने की उम्मीद है और जो न्यू OS है वो मेरे अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा। पोको F1 में क्या स्क्रीन बीटिंग इशू सॉल्व हुआ है? देखो वो इशू सबको नहीं था, किसी किसी डिवाइस में था। अभिषेक यादव जी पूछते हैं, सर मुझे एक फ़ोन लेना है 20,000 की रेंज में, वीवो V11 ले लूँ या फिर वेट करूँ नोकिया X7 का? कैमरा बिल्ड क्वालिटी इंपॉर्टेंट है तो आपको वेट करना चाहिए नोकिया X7 का। क्या नोकिया X7 में एंड्रॉइड P के बाद Q का भी अपडेट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। रियलमी U1 में न्यू OS होगा या कलर OS होगा? देखो अभी आपको कलर OS ही मिलेगा रियलमी U1 में, लेकिन उसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है पहले के कंपैरिजन में। भाई पोको F2 की कोई खबर? अभी वेट ही करना पड़ेगा आपको। भाई मेरे पास ऑनरनेट लाइट है, इस फ़ोन के बारे में अपनी कुछ राय दो। देखो ये फ़ोन ज़बरदस्त था जब ये फ़ोन आया था, डिज़ाइन इस फ़ोन का उस टाइम पे काफ़ी अच्छा था। भाई Realme 2 Pro में डाउनलोड स्पीड कम मिलती है कंपेयर टू Redmi Note 5 Pro एंड Honor 8X। भाई आप खुद प्रैक्टिकल करके चेक कर लो दोनों डिवाइस में, जियो की सिम लगा के चेक करना, वाईफाई से मत करना। ओके मैं चेक करूँगा फिर आपको इन्फॉर्म करूँगा। हाउ टू अनेबल कैमरा टू API Realme 1? अभी ऑप्शन नहीं है इसका। सर क्या MI एक ही तरह के प्रोसेसर के लिए अपनी मार्केट खो रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है, MI को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। भाई मैं कौन सा स्मार्टफोन लूँ जिसका कैमरा बैटरी और अच्छा परफॉर्मेंस हो 15,000 में? Honor 8X आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। 6 महीने पुराना मोबाइल अगर लेते हैं तो उस टाइम पे जो अपडेट्स हैं वो प्री इंस्टॉल मिलेंगे या नहीं? देखो जैसे ही आप फ़ोन ऑन करोगे आपको ऊपर अपडेट्स मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। कॉस्मिक लर्नर प्लीज़ गिव मी शाउट आउट एंड शो माई कमेंट ऑन कैमरा दैट्स इट। ओके ये कमेंट आप देख सकते हैं। मेक ए वीडियो ऑन बेस्ट एक्सेसरीज विद मोबाइल। ओके सर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। Asus Zenfone Max Pro M2 इंडिया में कब आएगा? थोड़ा सा और वेट करो, सब बताऊंगा आपको। आई हैव ओनर प्ले बट आई लॉस्ट माई फास्ट पावर ब्रेक विच आई गॉट इन दी बॉक्स, सो इफ आई बाय Xiaomi फास्ट चार्जर वर्थ 500 रुपीज। या यू कैन बाय, काफ़ी अच्छा चार्जर है वो Xiaomi का और आपका ओनर प्ले उससे फास्ट चार्ज हो जाएगा। 14,000 के प्राइस में Realme 2 Pro या Samsung Honor 8 लेना चाहिए? Realme 2 Pro बिना किसी डाउट के। चलिए दोस्तों अब हम रिजल्ट निकाल लेते हैं गिवअवे का। ये वो वीडियो है जिस पे गिवअवे चल रहा था, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से लिंक कॉपी करता हूँ इसका। अब ये साइड है रैंडम कमेंट पिकर, यहाँ मैं पेस्ट करता हूँ लोड कमेंट्स। देखते हैं कौन जीतता है ईयरफोन्स। अब यहाँ दो ऑप्शन हैं, रैंडमली पिक विनर और दूसरा ऑप्शन है पिक दी मोस्ट लाइक रिसेंट कमेंट। मैं क्लिक करता हूँ रैंडमली पिक विनर पे। विनर का नाम हमारे सामने आ चुका है, अभिषेक सिंह राजपूत जी विनर हैं ईयरफोन्स के। आप मुझे अपनी इसी ID से कमेंट कीजिए इसी वीडियो में और मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए आप मेल से, मैं वेट करूँगा आपके मेल का। जब आपका मेल आ जाएगा मेरे पास तो मैं जल्द से जल्द आपसे कॉन्टैक्ट करके आपका प्रोडक्ट आपके पास पहुँचा दूँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।